वेलकम बैक पाकिस्तान प्रोग्राम जी सानो स्टार्ट थे पे हो इवन ब्रेक का पे हो सबन का पे हो मां ताके बुधायो त आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में काफी घणी एक्साइटमेंट आ छके मुस्तफा इलाही साहब असा सा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में व्यूअर्स मुस्तफा इलाही साहब तारन के काफी टीवी चैनल से रिसो क्या हो काफी अरसे का रिसो था असा जे पांजा है मीरपुर खास का बिलोंग करता सिंध यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट माशाल्लाह पांजे पान के मनराए चुके हैं चंगी तरह मनराए चुके हैं मेडिकल फार्मेसी में हथ रिसदा हैं काफी वडी वडी पर्सनालिटी जो हथ रिठो आ काफी मानो जा मसला हल क्या हैं रिलीजियस हैं काफी माशाल्लाह काफी मजेदार पर्सनालिटी आया जे ताकि नतो दिखाया चुके ताकि आया मा वडी एक्साइटेड पैदा कर रहा चुके मा कल का वठी कर आडो वडी एक्साइटेड आ चुके एडी पर्सनालिटी जदी हे गलाइंदा हैं त इत्रो मजो इंदो आ जो मानो चंदा बुद्धो होने ताकि बुझरायो ता मुस्तफा कमा साहब सा गराई साहब को जी वालेकुम कैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक खैरियत कल से आपका बेचैनी से इंतजार हो रहा है यहाँ पर क्योंकि आपसे जब कल भी बात की पहले भी बात की तो आपका एक अंदाजे बयान है जब बयान करते हैं तो फिर सुनने का ही दिल चाहता है क्योंकि आप मेरे ख्याल से जो बताते हैं वो अगले को लगता है यार कैसे बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं थोड़ा अपने बारे में आप बताइए मुस्तफा जी देखिये अली साहब पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर KTN पर मुझे इनवाइट किया वैसे तो पाकिस्तान के बेशुमार चैनल्स जो है वो इनवाइट कर रहे होते हैं शोज हमारे चल रहे होते हैं लेकिन सुबह सिंध के हवाले से जो आप लोगों की कोशिश है कि सुबह सिंध के होनहार बासलाहियत तलबा तालबात को जो अप्रिसिएशन आप कर रहे हैं इस चैनल से ये वाकई में काबिल मुबारकबाद है आप खास तौर पर आप भी इतनी कम एज में माशाल्लाह आपने काफी इम्प्रूव किया है और मुझे यहाँ इन्वाइट किया KTN का मैं शुक्रिया अदा करूंगा अली साहब ऐसा है कि ताल्लुक बहुत मुख्तसर है मेरा मीरपुर खास शहर से मेरा ताल्लुक है और इब्तदाई तालीम भी वहीं हासिल की है और उसके बाद जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सेटेलाइट ऑन मीरपुर खास से मेरा ताल्लुक है और इनिशियल अपनी एक्टिविटीज वहीं रखी और छोटे शहर होने की वजह से फिर जिंदगी में आगे सर्वाइव करना था फिर कराची शहर का रुख किया और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली यहाँ से परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह मेडिकल फार्मेसिस्ट न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजें आपको पता है आपकी कमांड है इनके ऊपर तो कैसे शौक आया या कैसे मतलब एक तो होता है शौक इंसान का स्टार्ट होता है फिर इंसान उसके लिए कुछ करता है लेकिन जिस लेवल पे आप जा रहे हैं ये मुझे ये शौक नहीं है ये एक पैशन है उसके अलावा एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी जिद्दोजहद उसके अलावा ये नॉलेज कैसे आ सकती है तो ये कैसे स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी जी देखिए अली साहब ऐसा है कि मुझे लॉन्ग लॉन्ग अगो इनिशियली और मैच्योरिटी के बाद वो शेर एक पसंद है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं और मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पर जो डालते हैं कमन स्पेशल करने का शौक है शुरू से आप डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के लिमिटेड एक फील्ड होती है आप यू कैन परफॉर्म इंटरनेशनली और चाहे आपकी कितनी भी जो है आपकी एबिलिटी हो क्वालिटीज हो बहुत अच्छी फील्ड है वो और फिर हमारी कंट्री में माहिरीन की कुछ कमी है और खास तौर पर उन शोबों में जिन शोबों को यूरोप में बहुत अहमियत हासिल है